I'm also excited. I'm also looking forward to it, and I just want to thank all the fans for the appreciation and love we have received for Ashram. Bas jap naam aur khush raho sab log. सर थोड़ा सा पीछे मंच से पीछे हो जाएंगे. बस बस सर यहाँ पे. हाँ सर यहाँ पे. सर यहाँ पे सर. भाई आपके राइट में काम कर रहे हैं. सर यहाँ पे सर. सर यहाँ पे देखिए. भाई नाइस. सर यहाँ पे. भाई नाइस लुकिंग. सर दर्शन सर. दर्शन सर यहाँ पे. सर यहाँ पे सर. सर सर डिलीट हो जाएगा. दर्शन सर यहाँ पे. यहाँ पे सर यहाँ पे. फर्स्ट कैमरा सर यहाँ पे. सर सर यहाँ पे. क्या बात है. क्या बात. क्या बात. थैंक यू भाई. थैंक सर. दर्शन सर यहाँ पे. थैंक यू भाई. आपके हाथ में. बॉबी सर. बॉबी सर. ना यार जान में. मैम यहाँ पे. मैम हाथ में. मैडम यहाँ पे. मैडम यहाँ पे. मैम. मैम. थैंक यू. मैम यहाँ पे. मैम. यार देखिए. मैम. मैम यहाँ पे. इतनी ज्यादा है कि आप आगे क्या क्या कहना. क्या इतनी उम्मीद थी कि इतना प्यार मिलेगा, इतना लोग सराहेंगे हर किरदार. फर्स्ट के रिलीज होने के बाद तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज आस्किंग. सो एक्सपेक्टेशन था कि इतना अच्छा होगा बट इतना सारा प्यार मिलेगा. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग बट आई एम वेरी हैप्पी. और जितना भी मिला है और मिलेगा तो भी इट्स मोस्ट वेलकम. नॉट कंप्लेनिंग. डू यू थिंक द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी गोज अप वंस यू स्टार्ट. यस आई थिंक ऑफ कोर्स बिकॉज व्हेन यू आर वन ऑफ द टॉप वेब सीरीज रनिंग ऑन द इंटरनेट देन डेफिनेटली रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है और अच्छा करेगी. सो या लेट्स होप. क्या सेलिब्रेट कर आप सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं. क्या किस तरह का सेलिब्रेशन होगा वो तो जहाँ सर बताएंगे बिकॉज वी आर इनवाइटेड एट हिज ऑफिस. और वो थर्ड इंस्टॉलमेंट कब तक. अब आगे क्या होगा पापा का. अभी तो पता नहीं. अभी तो हमको कुछ भी पता नहीं. वी जस्ट राइट नाउ वी डोंट नो ओनली. डू यू थिंक बनना चाहिए. ऑफ कोर्स बिकॉज राइट नाउ एवरीथिंग इज स्कैटर्ड. नाउ वी नीड टू हैव अ प्रॉपर सेकंड सीजन. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. रोड 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 र
इस पल बहुत बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और अब आज सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कामयाबी मिले? देखिए, उम्मीद तो थी कि क्योंकि प्रताप जी जैसे सरीखे डायरेक्टर निर्देशक और एक बहुत ही प्रतिभावान कलाकार बॉबी और फिर हम लोगों की लेखन, हम लोगों का मेहनत और मुझे लगता है वो उम्मीद से ज़्यादा विश्वास था। सीज़न आया, पहला सीज़न आया, फिर उम्मीदें बढ़ गई, अब उसके बाद और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि अब आगे क्या होगा बाबा, तो लेखन की जिम्मेदारी और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना बढ़ जाता है जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई? जी, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका आपका दायित्व जो है वो एक चरम सीमा पर होता है, उसी के तहत जितने भी रिसर्च मॉड्यूल, हमारी पूरी टीम इधर उधर गई हुई है, अभी सारी जो राइटर्स की टीम है वो भी दिन रात अभी लगे हुए हैं, सो ड्राफ्ट बाय ड्राफ्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिटेन द कैरेक्टर्स एज इंटरेस्टिंग एज दे वर, प्लस प्लॉट वाइज मोर ग्रिटी, मोर एंगेजिंग, मोर इंटरेस्टिंग। तो अब कब इसकी दूसरी किस्त, तीसरी किस्त कब? बस अभी कढ़ाई चढ़ाई है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।